أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا إن لم يفعل قال فيعمل بيديه وينفع نفسه ويصدق وتصدق قالوا إن لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا إن لم يفعل قال يأمر بالمعروف أو يأمر بالخير قالوا إن لم يفعل فقال يمسك عن الشر فإنه له صدقة رواه الترمذي. हाजिरीन जुमा और ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूआ के बाद मैंने सूरह आले इमरान की एक आयत तिलावत की। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों तुम में से हर एक को अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा तुम्हें एक जमात रहना इसके लिए, नबियों का काम करने के लिए, भलाई की तरफ बुलाएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकेंगे और यही लोग आखिरत में कामयाब होंगे। ये सूरह आले इमरान की आयत का तर्जमा हुआ। एक हदीस भी पढ़ी मैंने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला की, जो तिर्मिज़ी के अंदर है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्र में फरमाया हर मुसलमान को सदका करना चाहिए। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल अगर सदका ना कर सके तो? कहा मेहनत मजदूरी करो, हाथ से काम करो, खुद भी खाओ पियो और सदका करो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल अगर वो आदमी ये भी ना करे तो क्या करे? कहा जो सख्त ज़रूरतमंद है, मोहताज है, उसकी मदद करो। कैसे मदद करेंगे? फर्ज करो कोई आदमी बड़ा बोझ समझो के सर पर उठा के रखना है, उठाने नहीं होता, उसको उठा के सर पर रखो तुम उसके साथ मिलकर। कोई आदमी कुछ जो लिखना चाहता, लिखना आता नहीं, तुम उसको लिख कर दे दो। ऐसा उसकी तशरीह की गई के साथ ये है सख्त ज़रूरतमंदों की तुमको मदद करना चाहिए। अल्लाह के रसूल अगर ये काम भी नहीं किया तो क्या होगा? कहा कि नेकी का हुक्म दीजिए, नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुरी बातों से लोगों को रोकना चाहिए। अल्लाह के रसूल ये काम भी नहीं किया आप क्या करेंगे? कहा कि लोगों को तकलीफ देने से अपने आप को रोक ले, ये उसके लिए सदका है। पांच बातें अल्लाह के रसूल ने फरमाई, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से, गुनाह के कामों से रोकना, ये अल्लाह ने हम पर फर्ज करार दिया है। जैसा कि इससे पहले भी हमने फरमाया अगर इस काम को छोड़ देंगे तो माशरा सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी, सारे लोग एक दूसरे बिगड़ते चले जाएंगे। बनू इसराइल में कुछ लोग थे बुराई का काम करते थे, बुरे काम करते थे, थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी शरीयत में भी नमाज थी, ये यूँ समझे बुरे काम करते थे, शराब पीते थे,
जाते नाव होते हुए आओ, नमाज पाओ, ये बुराई मत करो, खुला करो। अब जैसा कि हमारे यहाँ भी है, कोई बैठे हैं नमाज छोड़कर, नमाज आओ भी नमाज को जाओ पीछे जाता हूँ, उसमें सबक है ना, वैसे वो लोग भी बोलते थे, अच्छा जाओ आते, अच्छा जाओ आते नहीं थे लेकिन बोलते थे ऐसा। कितने दिन बोले बोले, उसके बाद क्या भी फायदा नहीं हुआ। अब उनके रिश्तेदार रहे होंगे, दोस्त अहबाब रहेंगे, वो लोग भी उनके साथ हो गए, कितने दिन से बुलाते क्या भी फायदा नहीं, चलो हम भी इनके साथ बैठेंगे, बैठ के हो सकता कुछ फायदा पहुंचे। उनके साथ वो भी बैठ गए, खाने लगे, पीने लगे, वो भी नमाज पढ़ गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, लड़ने लगी न कफरू भी बनी इसराइला अला निसानी दाऊदा वईसा बिन मरियम ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا تناولوا نقول كانوا قالوا لبس ما قدمت وانشر अल्लाह की लानत भेजी दो नबियों ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी। लानत कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ी गाली। अल्लाह के तो पर लानत हो, अल्लाह ताला को रहमतों से महरूम कर दे। शैतान को क्या करते हैं, लाइन बोलते, मलून, अल्लाह की रहमत से ख़त्म, अल्लाह का इस पर एहसान नहीं होगा। बड़ी गाली, बड़ी बद्दुआ गाली बोलो, बड़ी बद्दुआ। दो नबियों ने ये बद्दुआ दी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी। क्या हुआ, ये लोग बुराई से पहले रोकते थे, बुराई से रोकना बंद कर दिए। क्या भी कितने बार बोले तो भी आते नहीं, क्या भी नहीं, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उनके साथ खाने पीने लगे, उठने बैठने लगे। अल्लाह की लानत हुई ये लोग ऐसा काम करते थे। जिस सोसाइटी में अम्र बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर, बुराई की बातों से रोकने वाले, अच्छी बातों का हुक्म देने वाले नहीं रहते, वो पूरी सोसाइटी खराबी का शिकार हो जाती, तबाह बर्बाद हो जाती, बुराइयां बढ़ते जाती, नेक लोग खत्म हो जाते, यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आता है। आदमी में ऐसा होता है, कभी समझो कोई बीमारी आई, समझो कोई उंगली सड़ने लगी, डॉक्टर कहता है इस उंगली काट दे तो ठीक है, कल नहीं देखेंगे क्या होता, वो बीमारी फैलते फैलते पूरा बदन फैल जाता। वैसे सोसाइटी के अंदर एक दो आदमी रहते, खराब आदमी रहते, 100 में 10 आदमी हो गए, 15 आदमी हो गए, इनको अगर आप रोके नहीं, मना नहीं किए, तो ऐसी सूरत में पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। सबसे बहुत मेहनत का काम, बड़ी जिम्मेदारी का काम, मामूली काम नहीं ना। एक आदमी समझिए कि साहब बैंक से काम सूद ले लेके व्यापार करता है, अच्छा व्यापार होता है, खून कमाता है, बीवी बच्चे मजे में है, घर है, सब है। अगर हम कहें सूद हराम है, सूद लेने वाले पर, देने वाले पर, उसका हिसाब लिखने वाले पर अल्लाह की लानत है, कितना बुरा लगेगा उसको। अरे बैंक से पैसा ले लिया, हमारा कारोबार नहीं तो फकीर बन जाएंगे ना, हम लोग मोहताज बन जाएंगे ना, ये होगा। कोई लड़की कोई औरत बन सवार के बगैर बुरके के निकलती है तो लोग कहेंगे सब ये हराम है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरका पहनो, बन सवार के नहीं निकलना चाहिए, उसको तकलीफ होगी ना। अच्छा ये हम लोगों को मना करने वाला आ गया ना, मेरा पर्सनल मैटर मैटर, तुम क्या करते कर लो जाओ। देखो ऐसे हो जाता है, नहीं मानते, इसलिए बहुत बड़ा काम। बाद लोग तो ऐसा आता है उनके खिलाफ काम करते हैं, देखो अच्छा ऐसा बनता क्या, इसको इमामत से निकाल दें, इसको जुमे के खुतबे से निकाल दें, बयान करने का मौका ही नहीं देना चाहिए इसको, खाली फजीलत बयान करो, नमाज पढ़ो इतना सवाब है, रोज़ा रखो इतना सवाब है, और फुला करो इतना, खाली फजाइल बयान करो। ये क्या कहते हैं कि साहब ये मत करो वो मत करो, बहुत बड़ा काम ये। यहाँ तक भी हमने देखा कि पास लोग जो नीचे पेट लिड़ा कर चलते हैं, उनसे कहा जाए कि तुम्हारा पेट नीचे लिड़ता है जी, उठाओ ऊपर, और नीचे खींच कर छोड़ देते हैं। कहते क्या करना है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुमना क्या है। ऐसे शरीर लोग भी रहते हैं, ये नहीं कि सब बोले तो मान लेते, सब ऐसा नहीं है, बोले तो सब नहीं मानते,
जिसके दिल में ईमान है, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के रसूल की बातों का एहतराम है, वो लोग मानते हैं। वरना तो आमतौर पर जब भी हम दावत और तबलीग का काम शुरू करेंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने महबूब थे अरब के अंदर, कितना चाहते थे आपके कौम के लोग, अमीन सबसे बड़ा अमानतदार सादिक सच्चा मुसलमान ऐसा बोलते थे। 40 साल तक अल्लाह के रसूल थे ना उनके दरमियान, उठते बैठते सब कुछ करते थे, लेकिन बुद्ध की कभी पूजा उजा नहीं थे, और बुद्ध की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने जब आपको 40वें साल नबी बनाया, जब आपने ऐलान किया कि बुद्ध परस्ती हराम, शिर्क हराम, ये बुद्ध तुम्हारे क्या काम आ सकते हैं, या ना नफा पहुँचा सकते हैं, ना नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे क्यों हो जाते दुश्मन बन गए? कल तक दोस्त थे, कल तक रिश्तेदारी का ख्याल करते थे, लेकिन आज कितने बड़े दुश्मन बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपके वालिद का तो पहले इंतकाल हो गया था ना, वो एक औरत सुवैबा जाके अबू लहब को बोली, तुम्हारे भाई की बीवी को बेटा हुआ। कितना खुश हो गए अबू लहब, बोला अच्छा तो ये मुझे पहले न्यूज देनी, तुझे मैं आज़ाद कर दिया। 10,000, 20,000, 40,000 की एक औरत होगी ना, उस जमाने में गुलामों का रिवाज था, का तुझे आज़ाद कर दिया था। अल्लाह के रसूल के पैदाइश पर उसको कितनी खुशी हुई, अल्लाह के रसूल ने ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बहुत खुश होकर आज़ाद कर दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ी पर चढ़कर जब उनको अल्लाह की तरफ दावत दिए, शिर्क से मना किए, तौहीद की दावत दिए, यही अबू लहब क्या बोला, तब अल्लाह का साहिर हो, तुम्हारे ऊपर बर्बादी हो, विश्वास तो बुलाए क्या, हम लोग काम काज में थे, देखिए कैसा निकल गया। अल्लाह के रसूल की जात से मोहब्बत थी, बात से मोहब्बत नहीं। आज यही हाल सबका है, अल्लाह के रसूल की जात से मोहब्बत है। मिलाद जो करते हैं बिदअत के लोग, चंदा देते खड़े रहते, मौलूद पढ़ते, क्या क्या करते, अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करो, वो नहीं हो सकता। रात भर मिलाद की मजलिस होगी, फजर जाके सो जाएंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल की बात से मोहब्बत हो तो सच्चा मुसलमान है, जात से मोहब्बत सबको होती है। अल्लाह के रसूल की जात से भी मोहब्बत और बात से भी मोहब्बत हमको होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, क़ालू या रसूलल्लाह अंसुर व ननसुर मज़लूमन फ़कैफ़ ननसुर ज़ालिमा। अल्लाह के रसूल क्या बोले, अजी तुम्हारे भाई ज़ालिम हो तो भी, मज़लूम हो तो भी उसकी मदद करो। ये अरब में बोल देते पहले, तुम्हारे खानदान का है क्या, उन्हें किसी को मारे तो भी उसकी मदद करो, उसे को तो मारे तो तुम मदद करो, खानदान ना, खानदान को देखो। साहब ये जुमला सुने तो उनको ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसा हुआ था अल्लाह का रसूल, बोले अल्लाह का रसूल कोई पर जुलम किया हमारे भाई पर, हम मदद करेंगे, जालिम का कैसे मदद करें, अल्लाह का रसूल का उसका हाथ पकड़ना, जुलम करने नहीं देना, ये अल्लाह के रसूल ने बताया। इससे ये मालूम होता है हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बीवी हो, बच्चे हो, मोहल्ले वाले हो, बाप दादा हो, चचा मामू हो, कोई भी हो, सबको नेकी का हुक्म देना जरूरी है। क्यों आदमी नेकी का हुक्म देते हुए डरता है, कभी तो पावरफुल आदमी रहता है, थोड़ी देर के लिए समझ रहे कोई मिनिस्टर है, कोई बोला है, यजमान है जैसे बोलते हैं, अब लोग गलत काम करते हैं। एक मिसाल देकर समझाए, उल्टे हाथ से पानी पीते हैं, अब देखते हैं अल्लाह के रसूल बोले उल्टे हाथ से पहले पर पानी पीने वाला वाली शैतान बोले, अभी लोग बोलते नहीं सीधे हाथ से पिलाना डर, यजमान नौकरी से निकाल डालेंगे क्या, खुला करेंगे क्या, दूसरा क्या तकलीफ देंगे, क्या रे मजलिस से मुझे ऐसे बोला,
बुरे में ना, बुरा माने में ना, उसका डर है। कभी तो ऐसा होता है रिश्तेदारी कट जाए बिना हमारे घर को मौलूद का खाना भेजे। नहीं लिए हमारी बेटी दिए हैं, बेटी पर जुलम करेगा ना, बेटी को तलाक कर भेज दिए तो मैं क्या करूँ? ये डरने का है करूँ पर ईमान चले जाएगा ना ऐसे करते करते। अल्लाह लिखा है बेटी को तलाक भी होगी और कुछ भी होगा, अल्लाह के रसूल की बात को मानना है ना हमको। जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह को राजी करे, उसको चाहिए कि लोगों को नसीहत करे। अगर चाहे लोग नाराज हो जाए, अल्लाह राजी हो। अगर कोई आदमी लोगों को खुश करने के लिए कोई काम करता है, अल्लाह उसे नाराज हो जाता है। खुश करने के लिए कैसे अभी मिसाल दी, सब क्या भी नहीं बोले तो यजमान खुश रहते, अल्लाह नाराज होता ना। तो वो नहीं ख्याल करते तो देखें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा ये इतनी बड़ी चीजें सारे अंबिया इसी के वास्ते अल्लाह के पास तरफ से भेजे गए। सारे अंबिया को अल्लाह ने ड्यूटी यही दी थी, शिर्क को मिटाओ, तौहीद को फैलाओ, गुनाहों को मिटाओ, नेकी को बढ़ाओ। इसीलिए सारे अंबिया है और वही काम हमको भी करना है। हमेशा हर एक को जिम्मेदारी दी गई है, अगर तुम तो मुसलमान हो तो ये काम करो। लिहाजा हमको चाहिए कि अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करें। मारूफ का मतलब क्या है? शरीयत की बातें जो हमको करना है। मुनकर का मतलब क्या है? गुनाह के काम जिससे हमको बचना है। अमर हुक्म देना, नहीं मना करना, ये फरीजा है। लिहाजा इस फरीजे को अगर जो काम छोड़ देती है उस पर अल्लाह का आजाद आता है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मज़ीद बातें बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सोसाइटी को साफ सुथरा बनाए, अल्लाह ताला हमको नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने वालों में से बना दे। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमको ईमान की हालत में रखे, ईमान की हालत में बुला ले। अकुल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।